कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील गुरुदेव की एक कृपा से जिस स्थान पर हम आए हैं बरसाना परिक्रमा के अंतर्गत, इस स्थान का नाम है पीली पोखर। राधा जी रोज यहाँ से जब नंदगांव जाती हैं, कल हम लोग नंदगांव गए थे, हमने सुना था कि राधा जी वहां पे रोज कृष्ण के लिए पकवान बनाने जाती हैं। तो जब राधा जी रोज पकवान बनाने जाती थी, एक दिन यशोदा मैया ने क्या किया, यशोदा मैया ने देखा कि जो कृष्ण है वो केवल राधा जी के हाथ का बना हुआ जो पकवान है बहुत प्रीति से खाते हैं, और बाकी जो उनके घर में और भी बहुत सारी दासियां हैं उसका इतना प्रीति से नहीं खाते। इसलिए यशोदा मैया रोज राधा जी को बुलाती है यहाँ से नंदगांव पकवान बनाने के लिए। कई बारी तो कृष्ण जब भोजन कम करते हैं, मैया बोलती नहीं थी को और खाना पड़ेगा, कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं मैया मेरा पेट भर गया। तो यशोदा मैया कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो राधा जी को मैं इतनी दूर से क्यों बुलाती हूँ इतने सारे पकवान बनाने के लिए, कल से मैं राधा जी को पकवान बनाने के लिए बुलाऊंगी नहीं। कृष्ण कहते हैं नहीं 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 ऐसे मत करो, मेरे को तो भी बहुत भूख लगी है, मैं तो अभी और पेट भर के खाऊंगा। तो इसलिए मैया क्या करती है रोज राधा जी को बुलाती है। तो माता की इच्छा थी कि राधा जी मेरी बहू बने, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक दिन राधा जी को अपने गोद में बैठा के बहुत लाड प्यार किया और उसके बाद उनके हाथ जो है और पैर पीले कर दिए, इस भाव से कि कृष्ण की जब शादी होगी तो राधा जी से ही करवाऊंगी। अब राधा जी बिल्कुल संकट में पड़ गई कि जब मैं वापस अपने गांव जाऊंगी बरसाना को और वहां पे अगर किसी ने देख लिया तो फिर लज्जा आती है, क्या बोलूंगी। तो राधा जी जैसे भी बरसाना में घुसेंगी, घुसने से पहले ही यहाँ पे पोखर था, पोखर का मतलब होता है कोई भी कुंड, उसको बोलते हैं पोखर। तो इसी पोखर में राधा जी ने अपने हाथ और पैर धोए, फिर इसलिए इसका नाम हो गया पीली पोखर। और आज भी आप यहाँ पे देखोगे तो रंग थोड़ा पीला है और यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर पीलू के वृक्ष हुआ करते थे, इसलिए स्थान का नाम है पीली पोखर। तो एक कीर्तन है जिसमें कहते हैं मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। उस कीर्तन में आगे आता है कि सतगुरु ने मेरी बात चलाई। सतगुरु बात कैसे चलाते हैं, कैसे बात चलाते हैं, अगर कहीं पे कोई लड़का या लड़की देखने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, पूरा मेकअप होके तैयार होके जाते हैं, नहीं जाते। तो सतगुरु हमारी बात कैसे चलाते हैं, हमें हमारे गले में कंठी माला दे देते हैं, जप माला दे देते हैं, गायत्री मंत्र दे देते हैं। तो जो जो गुरुवरों की बात मानते हैं, उनसे मंत्र दीक्षा लेते हैं, भजन लेते हैं, उन्हीं की बात क्या करते हैं, फिर वो कृष्ण के पास उनकी अर्जी लगा के लेके जाते हैं। तो यही वास्तविक में बताया श्रीमद् भागवतम में, केवल पुरुष ही नहीं बताया, स्त्री भी स्त्री को गाली दे रही है। बताया कहाँ पे, श्रीमद् भागवत में वर्णन आते हैं जहाँ पे रुक्मिणी देवी ने स्त्रियों को गाली दी है। रुक्मिणी देवी ने भागवतम के दसम स्कंद में स्त्रियों को गाली देते हुए बोला है, बताया कि रोम नख खेश पिनादा मंत्र मांसम अस्थि रक्त क्रिम विट पादे जीवा छबम बजती कांत मत्र मूडा। बताया कि वो स्त्री मूड नहीं वी मूड है, मूड मतलब क्या होता है मूर्ख, और वी मूड यानी कि विशेष रूप से पागल है। बताया क्या करती है, बताया जो इस जगत में किसी पुरुष को अपना बना लेती है, कैसे अपना बना लेती है, बताया जो शरीर है किसका बना है, रक्त कृमि विड भस्म संज्ञा नख केश रोम, इस शरीर का कोई भी अंग अगर शरीर के बाहर निकल आए अच्छा लगता है। कई लोग बोलते हैं अरे इसकी आंखें कितनी सुंदर है, अगर आंख बाहर निकल आए अच्छी लगेगी, नाक बाहर निकले अच्छा लगेगा। तो बताया ये जो शरीर है ये कैसा बना है, ये शरीर एक पेशाब की और टट्टी की थैली है, गुरुदेव बोलते थे पेखाने की थैली है ये शरीर, और इस शरीर के साथ कभी प्रेम नहीं हो सकता। और इस जैसे यहाँ तक कि देखो हम लोग कुछ खाते हैं, अभी हमने इतनी सुंदर सुंदर वस्तु खाई, कोई रसमलाई खाई, जलेबी खाई, पकौड़े खाए, जब सुबह निकलेगा तो कैसा निकलेगा पता चले, तो पकौड़े का निकला या हलवे का निकला, क्या निकलता है, सुबह पूरा गंद निकलता है। यहाँ तक कि उसको तो छोड़ो, आपने मुंह में पकौड़ा डाला, आपने तीन या चार बारी चबाया, अब चबाने के बाद उसमें कंकड़ आ गया, उसको मुंह से बाहर निकालो, उसको दोबारा खा सकते हो, अभी तो शरीर के अंदर नहीं गया, केवल मुंह में अंदर जाने के बाद भी बाहर निकल आए तो हम लोग अपना ही जूठा भी नहीं खा सकते क्या, उसको देख के घिन मचती है। तो बताया इस शरीर के अंदर तो कुछ भी अच्छी वस्तु नहीं है, और जो इस टट्टी पेशाब की थैली को ही आई लव यू लव मी ये सब करते रहते हैं, बताया रुक्मिणी कहती है वो सब कौन है, मूर्ख है, टट्टी पेशाब की थैली के साथ ही सोते हैं, उसी को ही अपना मान के पूरा जीवन उसी के पीछे लगा देते हैं। तो
उसने बताया कि भागवत बताती है कि प्रेम करना है तो किससे करो, केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम करो, क्योंकि प्रेम करने की विषय केवल कौन है, भगवान कृष्ण है। सुनो हे रसिक जन, कृष्ण गुण अगणन, अनंत कहिते नाही पारे, कृष्ण जग तेरे गुरु, कृष्ण वांछा कंस तरु, नाविको से भव पारावारे। बताया कि नाविक से भव पारावारे, कृष्ण एक ऐसे नाविक है जो सबको उठा के इस भव सागर से पार लेके चले जाएंगे। कैसे है वो, सुनो हे रसिक जन, कृष्ण गुण अवर्णन, कृष्ण के अनंत अनंत गुण है, उनके गुणों को ब्रह्मा जी शिव जी महेश कोई भी उनके गुणों का आज तक पार नहीं पा पाया। तो प्रेम करने की विषय भगवान श्री कृष्ण है, और कृष्ण को छोड़ के जो भी इस जगत से प्रेम करता है सबको क्या करती है, माया देवी दंड देती है। माया देवी के हाथ में त्रिशूल है, वो त्रिशूल किन लोगों के लिए है, जो भी लोग कृष्ण को छोड़ के इस जगत से प्रेम करते हैं सबको ही माया देवी दंड देती है। इसलिए इन स्थानों से आके हम यही भिक्षा मांगते हैं कि किसी दिन किसी जन्म में हमारे भी हाथ पीले हो और हमें भी कौन प्राप्त हो, भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो। इताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी हम लोग जाएंगे पास में ही ललिता जी का गांव है, ऊंचा गांव, क्योंकि ललिता जी की कृपा होने से ही, ललिता जी की कृपा होने से ही राधा जी की बहुत जल्दी कृपा होती है। अगर कोई भी नई सखी राधा जी के पास आती है तो वो डायरेक्ट नहीं आती, किसके माध्यम से आती है, ललिता जी के माध्यम से आती है। तो अभी हम लोग ऊंचा गांव में जाके वहाँ कथा कीर्तन और वहाँ पे दर्शन करेंगे। एक छोटी सी प्रसाद की अनाउंसमेंट है, हम लोगों को आज सुबह जो हम लोगों ने वहाँ पे जलेबी का प्रसाद और जो पकौड़े का प्रसाद था, हमारी जयपुर से एक दीदी आई है जिनका नाम है आशा दीदी। तो हमने बोला कि सुबह तो हम लोग खिचड़ी और ये सब कर सकते हैं क्योंकि हैवी हो जाता है, इतना हम कैसे करें। तो बोली नहीं, इतने सारे भक्त लोग आए परिक्रमा में सर्दी का समय, मेरी इच्छा है सबको सुबह सुबह गरम गरम पकौड़े खिलाए जाए, तो इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां। और बोली कि पकौड़े से भी नहीं होगा, सुबह सुबह आप उनको जलेबी भी खिलाओ। लेकिन हुआ क्या कि जो बस उस गाँव में जाने का जो रास्ता था, बस ने जाना था, लेकिन हुआ क्या कि बस इस कारण से नहीं जा पाई, जब हम बस वाले को रूट भी दिखाया वहां पे और भी बसें जाती हैं, तो एक ऐसा टर्न था जहाँ पे रोड टूटी हुई थी,